अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल शायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, फार्मेसी टेक्निशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 7 के अंदर हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बारे में। और हम इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्रोटोटाइप ड्रग्स जो कि अस्थमा में यूज होती हैं, अस्थमा के सिम्टम्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, अस्थमा डिजीज के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज की स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्लास ड्रग है हमारे पास वो बीटा टू एडर्जिक एगोनिस्ट है। बीटा टू एडर्जिक एगोनिस्ट के बारे में हम इससे प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं कि साल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटानिल है, ठीक है, या एल्बिट्रोल है। इस कैटेगरी की जितनी भी ड्रग्स हैं ये बीटा टू एडर्जिक एगोनिस्ट हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ड्रग्स के काम करने के तरीके को समझने से पहले सबसे पहले देखना ये होगा कि जो अस्थमा था वो क्या था। शॉर्टली आपको बताता हूं कि अस्थमा में ऐसी कंडीशन थी जिसमें जो एयर पैसेज वे था हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर एयर पैसेज वे था जहां से हवा ने गुजरना था, उनके अंदर क्या था कि उनका ल्यूमन साइज कम हुआ था। किसी ना किसी वजह से कंस्ट्रिक्शन काज हो चुकी थी, इंफ्लामेशन काज हो चुकी थी। उस कंस्ट्रिक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से एयर पैसेज वे शॉर्ट हो चुका था। अगर एयर पैसेज वे शॉर्ट नहीं था तो आराम से जो फ्लो है हवा का वो हो रहा था। अगर एयर पैसेज वे शॉर्ट था तो वहां पे वीजिंग की सिम्टम्स थी, शॉर्ट ब्रीदिंग की सिम्टम्स थी, ठीक है, फास्ट ब्रीदिंग की सिम्टम्स थी। ये हम सिम्टम्स के बारे में जान चुके हैं कि ऐसी कंडीशन अस्थमा के अंदर हुई थी, साथ कफ की सिम्टम्स थी, खांसी थी साथ, ठीक है, शॉर्ट ब्रीद था, ऐसी सिम्टम्स थी। अब स्टूडेंट्स देखना है कि ऐसे सिम्टम्स से बीटा टू एडर्जिक एगोनिस्ट कैसे निकालेंगे और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा, ये जान लेते हैं कि हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में यानी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। ऐसी ड्रग जो कि एडर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करती हैं उनको सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स का नाम दिया जाता था। ये हमने पढ़ा था एपिनेफ्रिन के बारे में, एम्फेटामाइन के बारे में। एपिनेफ्रिन के बारे में पढ़ा था कि वो बीटा वन रिसेप्टर्स पे काम करती है, बीटा टू रिसेप्टर्स पे काम करती है। अब ये वही बीटा टू एडर्जिक रिसेप्टर है, इसका जो एगोनिस्ट है जो इस जैसा इफेक्ट देगा इस ड्रग्स को हम बीटा टू एडर्जिक एगोनिस्ट कहेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये जान ले कि हाँ बीटा टू रिसेप्टर जो था उसका नॉर्मल फिजियोलॉजी उसकी क्या थी, वो बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स के अंदर क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा था। जब कोई सिग्नल मॉलिक्यूल बीटा टू रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होता था तो क्या होता था कि वो ब्रोंकोडायलेटर का काम करता था, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स के अंदर हमने पढ़ा था कि ये हमें सिंपैथी देता था। किस वजह से? फियर फाइट एंड फ्लाइट फंक्शन के अंदर हार्ट की जहां पे बीट बढ़ती थी वहां पे ब्रोंकोडायलेशन भी होती थी ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को दी जा सके। ये था बीटा टू एडर्जिक जो रिसेप्टर्स है इसका काम, ठीक है, इसका काम ये था कि सिग्नल मॉलिक्यूल को लेता था और डायलेट होता था जिसकी वजह से हवा मैक्सिमम हमारे लंग तक पहुंचती थी। अब वो पैसेज वे जो है उसमें कंस्ट्रिक्शन काज हुई है तो ये बीटा टू एडर्जिक एगोनिस्ट जो कि बीटा टू एडर्जिक एगोनिस्ट जो है वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह के नॉर्मल कोई सिग्नल मॉलिक्यूल ये वहां पे काम कर रहा था, इसलिए इसको हम एडर्जिक एगोनिस्ट कह सकते हैं इस ड्रग को, ठीक है, जहां पे सिग्नल मॉलिक्यूल जिस रिसेप्टर्स को का फंक्शन इनिशिएट कर रहा था ये ड्रग उसी रिसेप्टर्स पे जाके उसके फंक्शन को इनिशिएट करेगा, इसलिए ये उसका एगोनिस्ट है, ठीक है। अगर इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा होता तो ये ब्लॉकर था, अगर उसके फंक्शंस को इनिशिएट कर रहा है तो इसका मतलब है ये एगोनिस्ट है, उस जैसा काम कर रहा है। अब देखते हैं कि ये किस तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इनहाल्ड एडर्जिक एगोनिस्ट विद बीटा टू एक्टिविटी आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइल्ड अस्थमा। इनहाल्ड एडर्जिक एगोनिस्ट, स्टूडेंट्स इनहलेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर इसको हम इस ड्रग को बीटा टू रिसेप्टर्स पे काम करने वाले एगोनिस्ट को इनहाल्ड करते हैं, थारो जो है वो नेजल हम इसको इनहाल करते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज देगा, माइल्ड अस्थमा के सिम्टम्स को रिमूव करेगा, कम करेगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग
बीटा टू एगोनिस्ट आर पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर्स, ये ब्रोंकोडाइलेटर्स ड्रग्स हैं दैट रिलैक्स एयर स्मूथ मसल, जो के एयर स्मूथ मसल जहां से हवा ने गुजरना था उनको उनका ल्यूमन साइज जो है वो इंक्रीज करेगी। मोस्ट क्लिनिकली यूजफुल बीटा टू एगोनिस्ट हैव अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इनका जो ऑनसेट एक्शन है 5 टू 30 मिनट्स में अपना एक्शन शो करती है एंड प्रोवाइड रिलीफ फॉर 4 टू 6 आवर्स, 4 से 6 घंटों के अंदर जो है वो अपना जो एक्शन है रिलीफ पेशेंट्स को रिलीफ दे देती हैं। दे आर यूज्ड फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म, ये ब्रोंकोस्पाज्म की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट्स ब्रोंकोस्पाज्म जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का दूसरा नाम है, जब ब्रोंकाई के मसल्स के अंदर स्पाज्म पैदा होता है, सकड़ाव पैदा होता है, इसको हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। जब इस सिम्टम्स को इसने ब्रोंकोडाइलेटर्स में बदल दिया तो ब्रोंकोस्पाज्म ना रहा, जिसकी वजह से एयर पैसेज वे जो है ल्यूमन साइज जो ब्रोंकाई है उनका ज्यादा हुआ और हवा जो है वो आराम से गुजरी, ठीक है, और उसको कोई दुश्वारी ना हुई जिस वजह से जो है वो पेशेंट को रिलीफ मिला। अब प्रोवाइडिंग क्विक रिलीफ ऑफ अक्यूट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ये क्या करती है कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को अक्यूट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रिलीफ प्रोवाइड करती है। अब अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, एडवर्स इफेक्ट आर टेकीकार्डिया, ये इसका एडवर्स इफेक्ट होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, शुगर ग्लूकोज की मकदार जिस्म के अंदर ज्यादा करेगी, हाइपोक्लाइसीमिया पोटाशियम के लेवल को बॉडी के अंदर ज्यादा करेंगी, एंड हाइपोमैग्नीशिया मैग्नीशियमिया, अगर इसको ड्रग को हम इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नीशियम की जो बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, पोटाशियम की मैग्नीशियम की और ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर इंक्रीज कर सकती है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।